दिन दिल्ली के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा। वेस्ट दिल्ली के मुंडका मेट्रो के पास एक 4 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से काफी अफरा तफरी मच गई और इस आगजनी के कारण आज सुबह तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं अभी भी कुछ लोगों का पता नहीं है। आग लगने के मुख्य कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री में रखे एक जनरेटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और उसके बाद आग पूरी इमारत में फैल गई। बताया जा रहा है कि इमारत में बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, जिसके कारण आग से बचने के लिए लोगों में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में 100 से 200 लोग मौजूद थे। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक आग की सूचना शाम 4:40 पर मिली, जिसके बाद दमकल की 24 से 30 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। आग इतनी भीषण लगी थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़कर नीचे कूद रहे थे। बाद में जब राहत बचाव का काम चालू हुआ तो NDRF ने लोगों को रस्सियों, सीढ़ियों और क्रेन के सहारे नीचे उतारा। 7 घंटे चले राहत बचाव में कुल 27 लोगों के शव निकाले गए और कई लोग जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में जो कंपनियां थीं वे बिना NOC के चल रही थीं। ऐसे में सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि इतने दिनों से बिना NOC के यह फैक्ट्री कैसे काम कर रही थी, वह भी बिना किसी सेफ्टी के। कंपनी के मालिक को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। वहीं कोफे इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो कि CCTV कैमरे बनाती है के मालिकों हरीश गोयल और वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जिन भी लोगों के कारण यह घटना हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आग की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर घटना पर शोक जताया है। वहीं घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों एवं घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है, जो प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का दौरा करने के बाद CM केजरीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी कि इस मामले में दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों के लिए 50-50 हजार की व्यवस्था की गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।